हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद टारगेट। आज की वीडियो में बात करेंगे हम जेएनयू नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट के एडमिट कार्ड के प्रोसेस के बारे में, क्योंकि आज 23 अप्रैल आपके हो चुकी है और आज क्या आपको लगता है कि एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड होगा या नहीं होगा, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और कब होगा और कितने बजे आपके एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे, तो वो मैं आपको पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसा कि मैंने जो आगे अब तक आपको इन्फॉर्मेशन बताई है एकदम सारी इन्फॉर्मेशन सही हुई है, आपको भी बताए तो आगे भी मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन बताऊंगा वो लगभग एकदम सही होगी। निश्चित तौर पर मेरे पर विश्वास करें और सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही देखने को मिलेगी। तो जैसा कि आपने एग्जाम सिटी से बिना चेक कर ली होगी और अब सब के मन में ये डाउट चल रहा है कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा, तो देखो आज तो लगभग आने के चांस बहुत कम है, यानी कि 95% चांस आपके लगभग आज नहीं आएंगे। ओनली 5% आपके चांस है कि आपके आ सकता है, पर मुझे ज़्यादा लगता है कि आज आपको एडमिट कार्ड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज संडे है तो संडे के दिन तो लगभग जो आपके एनटीए है तो उसका लगभग पूरा ऑफिस बंद होता है। तो आज तो लगभग आने के चांस बहुत कम है, नहीं आएगा। और कल आपको एडमिट कार्ड आपके आने के चांस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कल आपको लगभग मंडे है तो निश्चित तौर पे, और 2 दिन पहले आपके लगभग यानी कि 3 दिन, वो लगभग वो 3 दिन कैसे काउंट करें पता है? जैसे कि कल 24 तारीख है, 24, 25 और 26, यानी कि ये 3 दिन ऐसे काउंट करते हैं और फिर आपके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते हैं। तो कल जहाँ तक लगता है कि आज तो आना इम्पॉसिबल है, वो 1 या 5% आपके चांस के लगभग आ भी सकता है, पर संडे के हिसाब से मुझे लगता है कि आज नहीं आएगा। तो कल आपको लगभग दोपहर को 12:30 के बजे के बाद आपको लगभग वापस एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे, यानी कि 1 बजे तक आप लगभग आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो यही पूरा अपडेट है, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। और कोई आपके मन में डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।